दोस्तों, अगर आपके मोबाइल स्क्रीन पर किसी भी तरह का ऐड आ रहा है और आप उसे बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल फ्री में बंद करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं ज्ञान आइकन। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर किसी भी ऐड को बंद कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन से ऐड को बंद करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस वीडियो को कर देना पे लाइक। लाइक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आपको बेल आइकन के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों आइए जान लेते हैं कि आप मोबाइल स्क्रीन से किसी भी ऐड को बंद कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप मोबाइल स्क्रीन पर आने वाले ऐड को बंद करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेटिंग ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फ़ोन का सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ़ोन का सेटिंग ओपन कर लिया है। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च बार में यहाँ पर सर्च करना है DNS। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ DNS। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे DNS सर्च कर लिया। DNS सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा प्राइवेट DNS का। ठीक है, तो दोस्तों आपको सिंपली प्राइवेट DNS वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको प्राइवेट DNS का ऑप्शन। ठीक है, तो आपको प्राइवेट DNS वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक के जस्ट नीचे में यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टाइप करना जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपको ये यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे सेव कर लेना है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप सेव करेंगे उसके बाद आपके स्क्रीन पे कोई भी ऐड नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसका कमेंट करना आप लोग को भूलना नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोग को अगले वीडियो में। तो तक के लिए ओके, बाय।